हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने है सुजुकी जिक्सर FF का राइड कनेक्ट एडिशन, और ये 250 cc की बाइक है जिसके बारे में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। की इंसर्ट करते हैं एक बार, और ये देखिए कुछ ऐसा लुक रहने वाला है फ्रंट से। इस बाइक के एरोडाइनमिक्स बहुत ही ज़्यादा शार्प है। 155 cc की भी देखी है, उसमें भी कुछ ऐसा ही एरोडाइनमिक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है, और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं मिरर काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, जैसे R15 में आते हैं, कुछ वैसे ही आपको हैंडल बार देखने को मिल रहे हैं मिरर के साथ। यहाँ पर छोटा सा वाइजर रखा गया है, और ओवरऑल कुछ ऐसा लुक रहने वाला है फ्रंट का। सुजुकी यहाँ पर स्टिकर देखने को मिल जाता है, फाइबर में रहने वाला है मडगार्ड। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर देखिए डुअल टोन में ब्लैक कलर के अलॉयस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको लगभग 300 mm की पेट्रोल डिस्क मिल जाती है। बायब्रेक का कैलिपर दिया जा रहा है, और डुअल पिस्टन कैलिपर रखा गया है फ्रंट में। तो ओवरऑल जो फ्रंट का व्हील है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने वाला है, मस्कुलर लगता है, क्योंकि ये जो टायर प्रोफाइल रखी गई है 110/70/R17, तो 17 इंचज के टायर आपको देखने को मिलते हैं। और रियर में भी आपको 17 इंचज का ही मिलेगा, लेकिन उसकी जो टायर प्रोफाइल है वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये देखिए कितने गजब की लुक निकल के आती है इस बाइक में, प्रॉपर स्पोर्टी लुक रहने वाला है। सीट हाइट लगभग 800 mm की रहने वाली है, और लेंथ देख सकते हैं सीट की, कुशनिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। एक राइडर के लिए ग्रिपिंग वाली पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पर पिलियन के लिए सीट मिल जाती है, ग्रैब रेल देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर आपको जिक्सर SF का स्टिकर देखने को मिल जाता है। सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम इस बाइक में, इनकी स्पेशलिटी बाइक को ठंडा रखने के लिए। तो इंजन इसमें 250 cc का मिलने वाला है, पावर जनरेट करेगा 26 BHP की, और आपको लगभग 22 Nm का टॉर्क भी इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। तो पावर फिगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाले हैं। माइलेज की बात करें तो 35 से 40 के बीच में आपको माइलेज इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। और यहीं पर आपको गियर पोजीशन देखने को मिल जाती है। तो इस बाइक में 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड मिल जाता है, और यहाँ पर इंजन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है। सो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। यहाँ पर भी आपको सुजुकी का स्टिकर देखने को मिलेगा। राइडर के लिए यहाँ पर आपको फुटपैक्स दिए जा रहे हैं, और पिलियन के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, ये देख सकते हैं। बात करें अगर रियर सस्पेंशन की, यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक प्रोवाइड कराया जा रहा है, और सारी गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर टायर अगर दिया जा रहा है, क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, हार्ड प्लास्टिक की रहने वाली है। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, साथ ही टायर प्रोफाइल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बात करें अगर रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर देख सकते हैं LED में टेल लैंप का सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि हेलोजन बेस्ड मिलेंगे। नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लाइट और रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल रियर से लुक कुछ ऐसा रहने वाला है इस बाइक का। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर ट्विन मफलर देखने को मिलते हैं, डुअल साइलेंसर है, क्रोम फिनिश में माउथ रखा गया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ब्रेक पैडल है, और यहाँ पर आपको सुजुकी इको परफॉर्मेंस का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और ये देखिए छोटे छोटे से पिलियन के लिए फुटपैक्स दिए जा रहे हैं, टायर वगैरह मिल जाता है। रियर में भी आपको लगभग 220 mm की पेट्रोल डिस्क देखने को मिलेगी। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको डुअल पिस्टन मिल जाता है, और ये देखिए कुछ ऐसा लुक रहने वाला है साइड से। टैंक की बात करें तो इस बाइक में आपको 12 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है, जिसमें कि 2.5 लीटर के आसपास रिजर्व कैपेसिटी रहेगी। E20 का भी सपोर्ट मिल जाता है, अपडेटेड बाइक है, यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो ये देख सकते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार है, बाकी वेट मल्टीप्लेट क्लच भी मिल जाता है, डेडिकेटेड पासिंग लाइट दी जा रही है, लो बीम हाई बीम के लिए बटन मिल जाते हैं, इंडिकेटर के लिए बटन मिल जाते हैं। इंडिकेटर एक बार आपको दिखाएं, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है, इंजन किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ के लिए बटन भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको की सेक्शन मिल जाएगा, और ये है इसका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम, फ्यूल गेज वगैरह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बैटरी वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं, बाकी एक बटन मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी सभी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप मीटर हो गया, ये यहाँ पर ऑडोमीटर मिल जाता है,
और ये ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी, ट्रिप रेंज देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर डिस्टेंस टू एमपीटी मीटर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बैटरी वोल्टेज वगैरह ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर इंडिकेशन दिए गए हैं आरपीएम लाइट, इंजन चेक लाइट, एबीएस के लिए इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। एक बार दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देख सकते हैं सभी इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मोड के लिए बटन मिल जाता है, जिसे आप प्रेस करेंगे तो पेयरिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें बाइक की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मोबाइल के नोटिफिकेशन लाइक मैसेज, कॉल, अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। टर्न बाई टर्न नेविगेशन सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और कुछ ऐसा रहने वाला है फ्रंट से। हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो बहुत ही स्मूथली आप इस बाइक को कंट्रोल कर पाएंगे। जो ग्रिपिंग वगैरह है वो भी काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। और बात करें इस बाइक के इंजन साउंड की, तो एक बार आपको सुनाते हैं। तो कुछ ऐसा साउंड करती है ये बाइक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट हेडलाइट, ये लो बीम हाई बीम, ये देख सकते हैं, और थ्रो देख सकते हैं आप फ्रंट में, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो एलईडी में हेडलाइट की विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। बाकी साउंड देख सकते हैं इस बाइक का कितना ज़्यादा मस्कुलर है, ऐसा लगता है कि हाँ ये 250 cc की ही बाइक है। और ट्विन मफलर एग्जॉस्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा थ्रो आपको फील होने वाला है। यहाँ तक हवा फील होती है एग्जॉस्ट की। और एक बार इस बाइक का स्टार्ट भी आपको दिखा देते हैं कैसी होती है। तो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है ये बाइक, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ साउंड है, कोई भी ऐसे गड़गड़ाहट फील आपको नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों। और कुछ ऐसी सिंपल सी दो की आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी इस बाइक के साथ। तो दोस्तों कमेंट करके बताना ये बाइक आपको कैसी लगी, और जिक्सा सीरीज की कौन सी फेवरेट बाइक है आपकी, या कौन सा कलर इनका फेवरेट है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगी। इस बाइक का एक्सोरूम प्राइस मैंने बताया 2,06,200-2,300 रुपये के आसपास रहने वाला है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। और अभी मैं हूँ विनायक शोरूम, जो कि जयपुर रोड पर अजमेर में पड़ने वाला है। अगर आपको बाइक की बुकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी ये बाइक कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बाकी जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।